Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Nah, I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer Rising the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last year. it's a new me, never gonna look back I'm Never gonna look back Cause damn, I was built to last You move slow and I move fast And that's facts थोड़ा ऐसा है ये साइबर क्राइम के ऊपर एक थॉट आया हमारे एक जानने वाले हैं दोस्त हैं बहुत खास दोस्त थे मिस्टर मनीष गोयल जी ये यूपी से बिलोंग करते हैं जिनकी रियल लाइफ में ये हाथ से गुजरे तो थॉट हमारा वहाँ से आया कि इसके ऊपर काम करना चाहिए क्योंकि इस साइबर फ्रॉड्स आए दिन होते रहते हैं वहाँ से माइंड में आया कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ पब्लिक को अवेयरनेस भी होगी और वो इतना काम कर रहे हैं सोशल वर्क और बहुत बड़ा इंसिडेंट के साथ हुआ आ, जिसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और आज भी कर रहे हैं तो हमारा फर्ज भी था कि हम भी उसकी टीम में जुड़ जाएं एक मिशन लेके चलें जो आज पूरे हिंदुस्तान के आई थिंक हर चौथे आदमी के साथ में ये सामना करना पड़ रहा है जो साइबर फ्रॉड होता है उनके बैंक के अकाउंट से पैसा निकल जाता है या डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रॉड से हो रहे हैं और आदमी परेशान होता है कुछ कहीं पर कह भी नहीं सकता है कुछ इमोशनल हो क्योंकि कैसे कैसे तो वहाँ से हमें ये आइडिया आया इसके ऊपर बनाना चाहिए तो कंपनी है वेलग्रेड स्टूडियोज़ प्राइवेट लिमिटेड उसके बैनर के तले ये फिल्म जो है प्लान की गई और बोलते हैं ना कि जब चाहत होती है वहाँ वहीं पर राहत भी होती है तो इसके प्लान करने के बाद में राकेश जी को कमान दी गई इसकी एज अ कैप्टन ऑफ द शिप राकेश श्रीवास्तव जी जो कि उनके बारे में बताने की जरूरत है सभी को पता है कि पिछले 40 से 45 फिल्मों में रहे हैं अनिल जी के अनिल जी के चीफ एसोसिएट हैं तो वो आज खुद डायरेक्ट करने जा रहे हैं फिल्म को और <coughs> शुरुआत की है और हमारे साथ में टीम में और भी लोग अच्छे जुड़ते जा रहे हैं वन बाय वन और सडनली अभी मिस ग्लोबल जो एशली लेमेंडस करके, है, है। है है। करके हैं वो यूएस से हैं पोर्टो स्टेट है यूएस का वहाँ से बिलोंग करती है और शी इज़ विनर ऑफ मिस ग्लोबल 2023 तो उनको देखने के बाद हमारी मुलाकात दुबई में हुई उनसे और उनकी बर्थडे के ऊपर मुलाकात हुई तो हमने कहा ये फेस इंटरनेशनल लेवल पे एक सेलिब्रिटी है और वो भी ख्वाहिश जाहिर किया उन्होंने कि हम भी एक आपके मिशन का पार्ट होना चाह रहे हैं तो मैंने उनको साथ जॉइन किया कि आप आ जाइए मोस्ट वेलकम और हिंदुस्तान बॉलीवुड जो है ना वो हमेशा फॉरनर्स के लिए या हर इंसान के दुनिया के हर कोने वो बाहें फैला के खड़ा होता है और जगह देता है तो इनको भी हमें लगता है उम्मीद है कि अच्छी टीम वर्क हो करके एक फिल्म को हम करेंगे ये अभी अनाउंसमेंट है मोहरत नहीं है और अभी सब सारे आर्टिस्ट वगैरह जितने भी हैं टेक्नीशियन आर्टिस्ट सब फाइनल हो जाएंगे आई थिंक नेक्स्ट मंथ में इसको हम मोहरत पे चले जाएंगे तो इस फिल्म को जो प्लान किया, किया गया है वो रियल इंसिडेंट के ऊपर किया गया है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर शहर है मुरादाबाद मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से मशहूर है तो ये इंसिडेंट सबसे पहले जो हमारा साइबर मैन के नाम से जो मशहूर है मन साइबर मैन मनीष उनके साथ हादसा हुआ वो मुरादाबाद से है और मुरादाबाद से ही शुरुआत हुई इस मिशन की तो उसकी मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है फिल्म का वो मुरादाबाद शूट होगा अलग लोकेशन है पिथौरागढ़ हो गया उत्तराखंड और बिहार का कुछ पार्ट है और बेंगलोर ये चार पांच जगह ऐसी लोकेशन होगी कुछ फॉरेन हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्योंकि ये इशू लोकल सिर्फ इंडिया का नहीं है ये इशू पूरे वर्ल्ड लेवल पे है यानी हर कंट्री में ये साइबर फ्रॉड इस तरह से हुआ जा रहा है क्योंकि अब आज के डेट में जितने भी डिजिटलाइज हुआ डिजिटल इंडिया हो चाहे वर्ल्ड लेवल पर डिजिटल काम हो रहा है तो उसी हिसाब से साइबर फ्रॉड बढ़ते चले जा रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए कैसे किया जाएगा वो पूरी गाइडलाइंस हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बचा सकें और उसी में एक पहल है हमारी है, स्टार uh, कास्ट जो है अभी हमने शुरुआत ये की थी कि स्क्रिप्ट के लेवल के ऊपर काम फाइनल हो चुका है कई अच्छे बड़े आर्टिस्टों से अप्रोच किया और मतलब उनको हमने वो किया है और सबने बताया है कि हाँ इट्स ओके कॉन्सर्ट बहुत अच्छा है लोग लाइक कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं वन बाय वन फर्स्ट अभी हमारे जो जुड़े हुए आर्टिस्ट हैं वो हैं लीड वन ऑफ द लीड कैरेक्टर में वो एशल लेमेंडे जिनका कल अभी शूट भी चल रहा है और ये मिस ग्लोबल 2023 की है अभी एट प्रेजेंट और साथ में मैं, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ यहाँ की जो मिस इंडिया है उनका भी नाम लेकर के वो भी साथ आ जाए हमारे साथ आई थिंक वो भी जुड़ने के लिए बोल चुकी हैं मानसी चौरसिया है, तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग आर्टिस्ट जुड़े जाकिर हुसैन फाइनल हो चुके हैं जाकिर हुसैन जी बहुत हमारे मतलब अच्छे आर्टिस्टों में से वन ऑफ द लीड वो भी है उसमें So, uh, ये कोई हीरो हीरोइन की फिल्म नहीं है रोमांटिक या कुछ ये हकीकत से जुड़ती हुई हम आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ है जिस जो परेशानियाँ दिक्कत हम फेस करते हैं उसके ऊपर है तो करेक्टर्स हम बोलते हैं कि वो कैरेक्टर्स हैं अभी दो तीन करेक्टर अभी जो मेन सेंटर करेक्टर के हैं वो भी फाइनल होना बाकी है जो आई थिंक बहुत जल्दी ये फाइनल हो जाएंगे तो हम लोग मुहूर्त पे जाएंगे जी आज से लगभग छः साढ़े छः साल पहले मेरे साथ ही कुछ ठगी हुई थी पैसे को लेकर जिस समय लोग जानते भी नहीं थे कि साइबर क्राइम क्या होता है तो उस परेशानियों को जो मैंने दस महीने तक फ़ेस किया और उस क्रिमिनल को मैंने खुद पकड़ा तो उन जो मैंने उस समय फेस किया था उनसे जो मुझे पीड़ा हुई है ना तो आज भी अगर किसी के साथ वो पीड़ा होती है तो वो मुझे मैं मैं फील करता हूँ उसे कि ये कितना टेंशन में कितना डिप्रेशन में होगा बंदा इस जिसका पैसा निकला है या कोई मेंटली टॉर्चर हो रहा है कोई हिप्नोटाइज़ साइबर हिप्नोटाइज़ हो रहा है किसी को है ना तो इस तरीके से जो है जब मेरा पैसा निकला था तो मैंने उस पर रिसर्च की थी रिसर्च के बाद मैं फाइनली उस शातिरा अपराधी तक पहुंचा था खुद पुलिस को ले जाके मैंने उसको अरेस्ट करवाया था और लाखों लोगों की बैंक डिटेल और लगभग हज़ारों लोग स्लीपर सेल्स अपने इंडिया के जो उसके साथ जुड़े हुए थे छोटे छोटे ऑफरों के माध्यम से और गवर्नमेंट की बहुत सारी वेबसाइट्स एप्लीकेशंस बैंकों की एप्लीकेशंस सब फेक जो चला रहा था जिनके माध्यम से वो लूटता था सब पूरा उसका सिस्टम तहस नहस किया था और जिसके बाद जो मुझे वहाँ के लोगों का प्यार मिला अपने यूपी का और मुझे एक साइबर मैन की उपाधि मिली तब से जो एक मेरा एक जुनून था वो मेरा बढ़ता चला गया कि अभी तो एक लाख लोगों का पैसा बचाया एक कोशिश से तो शायद दूसरी कोशिश से एक सौ चालीस करोड़ लोगों का भी मैं बचा सकता हूँ नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ट द इम्पॉसिबल इज़ आई एम पॉसिबल तभी कई ऑफर्स आए मुझे आ, उसके बाद जैसे पुलिस अधिकारियों के कैबिनेट मिनिस्टर्स के कि हमारे साथ काम करिए और लेकिन मुझे लगा कि शायद आ, मैं गया लोगों को अवेयर करने काफ़ी जगह स्कूल्स कॉलेजेस में भी लेकिन मुझे लगा कि शायद जब तक इसको हम जड़ पे हमला नहीं करेंगे ये नहीं रुकेगा तो वो जो चीज़ें दिमाग में बैठी हुई थी कि कुछ करना है क्या करना है तभी मेरी मुलाकात जो है खालिद जी से हुई और जो है उन्होंने मुझे मिशन दिया और काफ़ी जो है सोचने के बाद फिर ये लगा कि शायद ये इस माध्यम से फ़िल्म के माध्यम से हम 140 करोड़ लोगों को अवेयर कर सकते हैं जो एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ और जो कुछ हम उसको और बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं जो लोगों के दिल और दिमाग पे छाए और लोगों का जो है उससे अवेयरनेस बढ़े जागरूकता बढ़े है ना तो इसको लेकर हम एक मिशन पर चले हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें ऊपर वाला भी हमारा साथ दे रहा है और देगा हमेशा और सभी लोगों का जैसा मुझे प्यार मिलता है वो मुझे मिलता रहेगा सर तो ये फिल्म के माध्यम से आप जो है ऑडियंस को मैसेज देना चाहते हैं तो ये एक पूरी दुनिया के लिए मैसेज हो जी जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये मिशन पहले 140 करोड़ लोगों का है हमारे लिए बट ये अब 600 करोड़ लोगों का बन चुका है क्योंकि इससे पूरी दुनिया प्रभावित है यानी कि आप ये मानिए मैं एक बिजनेसमैन मैन और लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एक आम आदमी और एक बिजनेसमैन जब पैसा कमा सकता है तो वो बचा भी सकता है है ना जब वो परिवार को अपने चला सकता है तो वो चोरों को भी पकड़ सकता है ऐसा नहीं है कि वो कोई डरपोक है या उसको सिर्फ पैसा कमाना आता है वो अगर एक जुनून उसके अंदर आ जाए तो वो सब कुछ कर सकता है जैसे मैं दो लाइनों में कहूँगा कि देश हित के लिए किसी वर्दी की ज़रूरत नहीं है आप जिस लिबास में जहाँ खड़े होते हैं देश हित के लिए कार्य कर सकते हैं जय हिंद Namaste India. My name is Ashley Melendez. I am the Miss Global Twenty Twenty Three, and I'm so happy to be here in India for the first time. I'm happy to announce that for the first time, I will be debuting in Bollywood. New movie that it's called Cyberman That it's soon we will be announcing today. We are here in a photo shoot where we actually making um, all the posters. So stay tuned because um, we have more to show you guys. Today, today shoot enjoy? Yes, I have been enjoying getting into knowing more of my character and being able to understand what is um his look. Uh so yes, I've been enjoying every step of the way. You con uh, concept is movie you interested? Are you interested in the concept of this movie? Of course, it's always been uh, one of my dreams to be able to be a cop, so what better way to put it that in a movie? Um, so it's uh, it's going to be a very complicated part to, to be able to take out maybe that miss from my side, but I'm ready to take that risk. I was feeling. I'm feeling grateful for this opportunity being able to showcase what this movie is gonna be. So I'm super honored for the opportunity to be here. And soon you will see more about Ashley Melendez here in Bollywood. This uh, film ka title is Cybermen. And uh, it is inspired by a true story. And. Uh, जैसा कि आपको पता है एशली मेलेंडेज मिस ग्लोबल विनर 2024 तो उसको हम बॉलीवुड के अंदर लॉन्च कर रहे हैं इस फिल्म से एंड अनाउंसमेंट uh, करनी है वी हैव टू मेक वी आर ट्राइंग टू मेक अ गुड पोस्टर तो इट्स नॉट ए लुक टेस्ट बट

एंड uh, जैसे ही हमारी टीम कंप्लीट होती है विद इन नेक्स्ट थ्री फोर मंथ्स प्री कंप्लीट करके हम लोग शूट पे जाएंगे